हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 4 ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इसकी सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ये जो प्रॉब्लम 4 है उसकी, क्योंकि प्रॉब्लम को मैंने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। तो चलिए बिना देरी किए हुए एक बार प्रॉब्लम को फटाक से पढ़ लेते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि इस प्रॉब्लम को हम दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे, एक जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन वाला मेथड है, जो कि थोड़ा सा टफ मेथड है, और दूसरा मेथड जो है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें फुल वैल्यू पे गुडविल रेज और राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह की उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम दोनों मेथड से देखेंगे, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला मेथड। तो एक बार फटाक से फिर से जल्दी से प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। ए बी एंड सी विद रेस्पेक्टिव कैपिटल्स ऑफ 30,000, 20,000 एंड 10,000 एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 अग्रीड टू एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर ऑन द टर्म्स दैट ही वुड ब्रिंग इन ₹20,000 एज कैपिटल एंड ₹10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 20,000 कैपिटल लाएगा डी और 10,000 लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसा तय हुआ था। एंड दैट सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में जो सी है वो उतना शेयर रिटेन करेगा जितना उसको पहले मिल रहा था। ठीक है, डी पेड इन हिज कैपिटल मनी बट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम ही कुड ब्रिंग इन ओनली ₹5,000। तो डी ने 20,000 कैपिटल तो ले आया, पर प्रीमियम जो उसको 10,000 लाना था उसके जगह पे वो सिर्फ ₹5,000 ही ला पाया, और जितना वो नहीं ला पाया उसके लिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि गुडविल अकाउंट को रेज राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जर्नल और कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला मेथड यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेथड। ठीक है, ये हमारा मेथड वन है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेथड, मैंने बस उसको बताने के लिए बताया कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेथड से। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ओल्ड रेशियो जो थी वो थी 3:2:1। ठीक है, ये ए बी और सी में ये रेशियो थी। अब न्यू रेशियो में डी जो है यहाँ पे एक डी भी आ जाएगा। ठीक है, तो 3:2:1 का मतलब क्या होगा, 3, 2, 5 और 1, 6, तो ये 3/6, ये 2/6 और ये 1/6। ठीक है, अब जो डी नया आ रहा है, ये डी यहाँ पर न्यू रेशियो लिखते हैं, ये जो डी आ रहा है ये डी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, ये तो पहले ही बता दिया। तो नए प्रॉफिट्स जो होंगे उसमें डी को 1/6 शेयर मिलेगा। ठीक है, डी का हिस्सा क्लियर हो गया। और का यहाँ पे कहा है कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी कि सी को पहले 1/6 शेयर मिलता था तो सी को भी अब 1/6 शेयर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात तो पक्की हो गई कि जितना नया प्रॉफिट होगा उसमें से सी को 1/6 मिलेगा और डी को भी 1/6 मिलेगा। अब ए और बी को कितना मिलेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो में ए और बी को कितना मिलेगा वो यहाँ पे कहीं पे बताया हुआ नहीं है कि ए और बी आपस में किस रेशियो में शेयर करेंगे। तो हम लोग इस इन्फॉर्मेशन के एब्सेंस में ये अज्यूम करेंगे कि जितना ए और बी पहले, देखिए पहले ए और बी यहाँ पे 3:2 में शेयर कर रहे थे। ठीक है, सिर्फ ए और बी की बात कर रहा हूँ मैं, वो 3:2 में आपस में शेयर कर रहे थे। तो एडमिशन होने के बाद भी हम एज्यूम करेंगे कि वो आपस में जो रेसिडुअल प्रॉफिट बच जाएगा उसको 3:2 में शेयर करेंगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ए और बी का शेयर कितना आएगा। अब देखो, टोटल प्रॉफिट अगर हमारा आफ्टर एडमिशन, टोटल प्रॉफिट अगर हमारा 1 होता है, मान लेते हैं कि 1 रुपया है। ठीक है, सी और डी का शेयर कितना आएगा, सी और डी का शेयर हो जाएगा यहाँ पे सी प्लस डी शेयर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2/6। ओके, सी और डी का शेयर हो जाएगा 2/6। तो ए और बी का शेयर कितना बचेगा, ये होगा 1 - 2/6 इक्वल टू 6/6 - 2/6 इक्वल टू कितना होता है, ये 4/6। ठीक है, तो ए और बी का कंबाइंड शेयर होगा 4/6। तो इस 4/6 को अब हमको 3:2 के रेशियो में भाग करना है। ओके, तब ए का और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको मिलेगा। तो ए का कितना होगा, ए का होगा 4/6 × 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। ओके, तो यहाँ पर इंटू 3/5 कर लो, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, नीचे 30 और ऊपर में 12। ठीक है, 12/30 आ गया। और बी का यहाँ पे होगा 4/6 × 2/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/30।
तो 12/30 और 8/30 आ गया है हमारा इसका शेयर, क्या कहते हैं ए और बी का, ए इज टू बी का जो शेयर हो जाएगा वो होगा 12/30 और 8/30। अब हमको सी और डी का शेयर भी उसी हिसाब से निकालना है। तो देखिए सी और डी का जो यहाँ पे शेयर हमने लिख रखा है, तो चलिए यहाँ पर एक बार फ्रेश से लिखते हैं, न्यू रेशियो यहाँ पे ए बी सी और डी, चारों पार्टनर्स के मैंने नाम लिख दिए। अब ए का रेशियो हमने कितना निकाला, 12/30, बी का कितना निकाला, 8/30, ठीक है, सी का कितना निकाला, सी का 1/6 और डी का 1/6। तो देखिए डिनोमिनेटर्स यहाँ पे अलग हैं, ए और बी के केस में 30 है और सी और डी के केस में 6 है, तो या तो आपको सी और डी के केस में भी 30 डिनोमिनेटर लाना होगा, 6 नहीं चलेगा, वरना इसकी आप रेशियो नहीं बना पाएंगे। तो या तो आप यहाँ पे सी और डी के केस में नीचे 30-30 ले आइए डिनोमिनेटर, या ए और बी के केस में नीचे 6-6 ले आइए। तो मेरे हिसाब से सी और डी के नीचे भी 30 और 30 ले आते हैं। तो अगर नीचे 30 लाना है तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अगर आप नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, अगर यहाँ पर 30 लाना है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर में भी 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नया रेशियो आ गया फिर 12/30, 8/30, 5/30 और 5/30, ठीक है। तो नया रेशियो हो गया 12:8:5:5, ये हो गया हमारा न्यू रेशियो, ठीक है। मैंने बहुत हॉचपॉच में यहाँ पर करके समझाया है, लेकिन न्यू रेशियो यही होगा, 12:8:5:5, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है ये समझ में आ गया है। अब हमको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और मज़े की बात यह है कि इस प्रॉब्लम में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सबसे इजी है, क्योंकि ए और बी जो है ये पहले प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे 3:2 की रेशियो में, ठीक है। 3:2 की रेशियो में ए और बी पहले प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे, ये देखिए 3:2 का रेशियो था इन लोगों का, और ये एडमिशन के बाद भी सेम प्रोपोर्शन में यानी कि 3:2 में ही अपना जो है शेयर कर रहे हैं। ये जो 12/8 जो आया है यहाँ पे, यहाँ मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ तो समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। ये जो यहाँ पे 12/8 आया है, ये ए का है, ये बी का है, तो ये 12/8 3:2 के ही बराबर है, ठीक है। यहाँ 4 3 12 होता है और 4 2 8 होता है, तो ए बाई बी जो है, ए इज टू बी का जो न्यू रेशियो भी है वो 3:2 ही है। तो इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो भी ओल्ड रेशियो के समान ही होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे कैलकुलेट करना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे सी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों नहीं कैलकुलेट किया, मैं सिर्फ ए और बी की बात क्यों कर रहा हूँ। तो ओल्ड रेशियो जो मैंने कहा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए और बी की मैं बात कर रहा हूँ, ए इज टू बी इक्वल टू 3:2, ठीक है। तो मैंने सी की बात क्यों नहीं की, मैंने सी की बात इसलिए नहीं की क्योंकि प्रॉब्लम में क्लियरली कह दिया है कि सी जो पहले कमा रहा था, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी कि सी पहले प्रॉफिट का जितना हिस्सा पा रहा था, एडमिशन के बाद भी सी को प्रॉफिट का उतना ही हिस्सा मिलेगा, यानी कि वो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है। सी जो है वो एक पैसा भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, वो एडमिशन होने से पहले भी 1/6 उसका प्रॉफिट का शेयर था और एडमिशन होने के बाद भी 1/6 शेयर ही रह गया, तो उसको एक नए पैसे का भी नुकसान नहीं हो रहा है, ना ही कोई फ़ायदा हो रहा है, तो ना कोई गेन हो रही है ना सैक्रिफाइस हो रही है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। सी, ये सी की बात कर रहे हैं। तो लॉस किसे हो रहा है, सिर्फ ए और बी को लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि नया पार्टनर जो आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, उसको कहाँ से अपना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, ए और बी ने सैक्रिफाइस किया होगा तभी मिलेगा, क्योंकि सी तो कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है नहीं, तो डी को जो नया वो जो गेन कर रहा है 1/6, वो ए और बी के हिस्से से ही उसको मिल रहा है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ ए और बी के बीच में होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या करना है हमें, यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो 10,000 था, ठीक है, लेकिन डी है कि सिर्फ 5,000 रुपये ही कैश में ला पाया है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये जो 5,000 रुपये डी जो कैश में लाया प्रीमियम फॉर गुडविल,
इसको ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, यानी कि सारे ओल्ड पार्टनर्स नहीं, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो हैं वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो चलिए इसकी पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेथड वन की जर्नल एंट्रीज हैं। यहाँ पे पहली एंट्री होगी प्रीमियम वाली, तो कैश लाया है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 5,000 रुपये, और ये ओल्ड पार्टनर्स जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट में क्या रेशियो में डिवाइड होगा, ये 3:2 रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3:2 रेशियो में अगर डिवाइड होगा तो बहुत ही सिंपल है, ए को मिल जाएगा 3,000, बी को मिल जाएगा 2,000, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम का पैसा डी लेके आया वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अपने कैपिटल में ले लिए, ठीक है। अब दूसरा जर्नल क्या होगा, यहाँ पे कहा है कि जितना पैसा डी नहीं लेके आया, ठीक है, इन रिगार्ड टू द अनपेड अमाउंट ही एग्रीड टू द रेजिंग ऑफ गुडविल अकाउंट। तो जितना पैसा डी नहीं लेके आ पाया उतने के लिए गुडविल रेज होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी पैसे जो वो लेके आया उतना तो कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी शेयर कर लिए, तो जितना नहीं लेके आया उतने के बिहाफ में गुडविल रेज होगा। तो सबसे पहले गुडविल रेज करने के लिए आपको गुडविल की वैल्यू लगानी होगी। तो देखिए डी 1/6 शेयर के लिए आ रहा था और उसके लिए उसे 10,000 प्रीमियम लाना था एज गुडविल, तो गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 × 6। तो यहाँ पे मैं छोटा सा गुडविल का वैल्यू निकाल लेता हूँ, आप प्रॉपर वर्किंग नोट बना लेना। गुडविल की वैल्यू होगी 10,000 × 6, क्योंकि ये जो डी आ रहा था वो ये 1/6 शेयर के लिए 10,000 प्रीमियम ला रहा था, तो टोटल शेयर के लिए यानी कि पूरे प्रॉफिट के अगेंस्ट में गुडविल कितना होगा, 1/6 प्रॉफिट के लिए अगर 10,000 गुडविल है तो पूरे प्रॉफिट के लिए गुडविल कितना है, तो 1/6 के लिए 10,000, तो टोटल होगा 10,000 × 6, ओके। तो ये हो जाएगा गुडविल की वैल्यू ₹60,000। अब ये जो प्रीमियम ला रहा था, जिसको जितना लाना था उसका 50% वो लाया, 10,000 जो प्रीमियम उसको लाना था उसकी जगह वो सिर्फ 5,000 लाया। तो हमको अनपेड अमाउंट के लिए गुडविल रेज करना है, तो अनपेड अमाउंट कितना है, बाकी 50% अनपेड अमाउंट है। तो अगर 10,000 ही वो नहीं ला पाता तो हम फुल वैल्यू पे गुडविल रेज करते, पर यहाँ पे वो 10,000 की जगह 5,000 लाया है तो हम सिर्फ 50% गुडविल रेस करेंगे, ठीक है, सिर्फ आधा गुडविल रेस करेंगे, यानी कि 30,000 का गुडविल रेस करेंगे। तो यहाँ पे चलिए करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 30,000 रुपये, और ये ओल्ड पार्टनर्स में रेज होगा, तो टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में रेज होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स में जो ओल्ड रेशियो थी वो थी 3:2:1। अब 30,000 को 3:2:1 में डिवाइड कर दीजिए। अब ध्यान रखिए यहाँ पे जब गुडविल रेज हो रहा है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये हर बार मैं बताता हूँ क्योंकि मुझे भी स्टूडेंट लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन होती थी। जब गुडविल रेज होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच तो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो 30,000 को 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 15,000, 10,000 और 5,000। तो ये हो गई गुडविल रेज। अब इसी को करना पड़ेगा राइट ऑफ, ठीक है। तो राइट ऑफ जब करेंगे तो ऑल द पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर को हम डेबिट करके गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ थर्ड जर्नल एंट्री जो है ये गुडविल राइट ऑफ की होगी। तो सारे पार्टनर्स के एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल को कितना, 30,000 राइट ऑफ करना है, और इसको किस रेशियो में अब लिखना है, जो रेशियो हमने कैलकुलेट कर रखा है जो कि है, कहाँ गया न्यू रेशियो हमने निकाल रखा है, 12:8:5:5, ठीक है। तो इस रेशियो में हमको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 12:8:5:5 इस रेशियो में हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 12:8:5:5 रेशियो में अगर आप 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 12,000, 8,000
5,000 और 5,000, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्योंकि 12, 8, 5 और 5 का टोटल जो है वो आ जाएगा 30, तो इसीलिए ये 12,000, 8,000, 5,000 और 5,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये होगी गुडविल रेज और राइट ऑफ की एंट्री। अब ये जो है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो है पहले मेथड से कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये मेथड वन में यही जर्नल एंट्रीज है। अब कैपिटल अकाउंट अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट बना के रखा हूँ, तो ये मेथड वन वाला कैपिटल अकाउंट चलिए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल की बैलेंसेस लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरेड सॉरी ब्रॉड डाउन। यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंसेस दी हुई हैं कैपिटल की प्रॉब्लम में, 30,000, 20,000 और 10,000। तो यहाँ लिख देते हैं 30,000, 20,000 और 10,000, ठीक है। डी के कुछ नहीं थी। अब डी ने जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया बाय कैश, वो ए और बी ले गए अपने कैपिटल अकाउंट में 3,000 और 2,000, ठीक है। सी को कुछ नहीं मिला क्योंकि सी ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया था। अब ये जो है ये इस जर्नल एंट्री की हमने अभी एंट्री वहाँ पे की कैपिटल अकाउंट में। अब गुडविल रेज की एंट्री करनी पड़ेगी, तो गुडविल जब रेज होता है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, ओके। तो यहाँ लिखिए बाय गुडविल। मैंने जो जर्नल एंट्रीज नीचे लिखी हैं बस उसी को पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये गुडविल यहाँ पे रेज हो रहा है, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे होगा 15,000, 10,000, 5,000, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में रेज होगा, ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ पे हमको गुडविल को राइट ऑफ करना होगा, तो टू गुडविल लिखिए, यहाँ 12,000, 8,000, 5,000 और 5,000 नए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने राइट ऑफ कर दिया। अभी कैपिटल अकाउंट्स को आप अगर बैलेंस करेंगे तो आपको टोटल यहाँ पे मिलेगा 30 और 3 हो गया 33 और 15 48,000, यहाँ पर होगा 32,000, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे डैश। ओ एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं छूट गया था, वो है कि डी ने जो अपना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम में 20,000 का अपना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन भी लाया था, ये चीज़ छूट गया। तो ये जर्नल एंट्री एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और जर्नल एंट्री होगी, ये पहले ही लिखना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट होगा 20,000 और ये डी का खुद का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, इसलिए ये डी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये 20,000 हो गई, तो ये जर्नल एंट्री भी अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बाय कैश अकाउंट और यहाँ पे यहाँ 20,000, तो लास्ट कॉलम की टोटल 20,000 हो गई, ओके। अब यहाँ पे हमको टोटल्स लिखने हैं, 48,000, 32,000, 15,000 और 20,000। तो यहाँ पे बैलेंसेस क्या आ रही हैं, टू बैलेंस कैरेड डाउन, बैलेंसेस यहाँ पे आ जाएंगी 36,000, 24,000, यहाँ पे 10,000 और 15,000, ठीक है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल की बैलेंसेस होंगी जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट में रिक्वायर्ड है आंसर, ठीक है। तो मेथड वन यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन तो नहीं थी मेरी, मैं मानता हूँ, पर मैंने आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी में समझाने की कोशिश की है कि इसका सलूशन मेथड वन से कैसे होगा। बहुत ईजी है, मैं एक बार फिर से समअप कर देता हूँ। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम ही था, इसलिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो कैश आ रहा है उसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड पार्टनर्स को सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओल्ड पार्टनर्स वही होंगे जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बस उन्हीं को लेना है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और उसके बाद जो पार्टनर का खुद का कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो उसके खुद के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और उसके बाद गुडविल को सिर्फ अनपेड पार्ट के लिए, जितना प्रीमियम वो नहीं ला पाया, वो यहाँ पे 10,000 प्रीमियम लाने वाला था लेकिन सिर्फ 5,000 रुपये ही कैश ला पाया, इसीलिए 50% प्रीमियम वो नहीं ला पाया। तो गुडविल की वैल्यू हमने लगा ली, उसके बाद सिर्फ 50% रेस किया क्योंकि 50% प्रीमियम वो नहीं ला पाया था,
50% रेज किया ओल्ड रेशियो में बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, और फिर उसको राइट ऑफ किया न्यू रेशियो में बिटवीन न्यू पार्टनर्स। ये गुडविल रेज राइट ऑफ नहीं करके आप एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू भी कर सकते थे, पर रेज और राइट ऑफ कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, गुडविल हमने जो रेज किया और राइट ऑफ किया, इसके लिए सी का जो पार्ट है, ये चीज़ थोड़ा सा एनालिटिकल है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, हमने गुडविल रेज किया तो सी के केस में हमारा जो कैपिटल का बैलेंस था ओपनिंग, ये 10,000 का था, ठीक है। और इस एडमिशन के चलते ना सी को कोई फायदा हुआ ना नुकसान, सी ने अपना कोई शेयर सैक्रिफाइस नहीं किया है, वो 1/6 प्रॉफिट एंजॉय करता था, अभी भी 1/6 प्रॉफिट ही एंजॉय करेगा, इसीलिए इसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। देखिए, क्लोजिंग बैलेंस में भी इसका 10,000 ही कैपिटल बैलेंस रह गया। आपने गुडविल रेज किया, राइट ऑफ किया, देखिए रेज करते समय इसको 5,000 का क्रेडिट मिला था, और जब राइट ऑफ किया तब 5,000 फिर से डेबिट हो गया इसके अकाउंट से, ठीक है। तो इसको कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा किसको मिला? फायदा मिला आपका ए और बी को, वो भी कितना? जितना ये कैश में इन्होंने लिया था, क्योंकि 50% ये कैश में लेके आया था, तो कैश में इन्होंने 3,000 और 2,000 डी से ले लिए थे अपने कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब देखिए, रेज और राइट ऑफ से भी इन्हें 3,000 और 2,000 का ही अल्टीमेट फायदा हुआ है। कैसे? 15,000 रेज हुआ था ए के केस में, जब गुडविल रेज हुआ था तो ए का कैपिटल अकाउंट 15,000 से बढ़ गया था, लेकिन जब राइट ऑफ हुआ तो 12,000 से घट गया, यानी कि नेट में इसको +3,000 मिला, ठीक है। सिमिलरली बी के केस में 10,000 से कैपिटल बढ़ी थी जब गुडविल रेज हुआ था, और 8,000 से घटी जब गुडविल राइट ऑफ हुआ, तो इसको भी 2,000 का फायदा हुआ। यानी कि अगर ये पूरा कैश लाता, अगर ये 5,000 की जगह 10,000 कैश लाता, तो यहाँ पर 3,000 और 2,000 की जगह 6,000 और 4,000 होता, ठीक है ना। 10,000 को अगर हम 3:2 रेशियो में डिवाइड कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो 6,000 और 4,000 ही होता, और यहाँ पे कुछ नहीं होता क्योंकि सी कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा था। तो क्योंकि ये क्या कहते हैं, 5,000 ही सिर्फ कैश ला पाया, बाकी 5,000 नहीं ला पाया, तो उस केस में इन लोगों को 3,000 और 2,000 तो कैश में मिल गया, और बाकी जो 5,000 इनको कैश में नहीं मिला, वो पार्ट क्या हुआ, डी के कैपिटल अकाउंट से निकल गया और इनके कैपिटल अकाउंट में आ गया। देखिए, डी ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था? डी ने 20,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया था, ठीक है। 20,000 वो कैश में लेके आया था कैपिटल। तो इस 20,000 के बाद देखिए, क्लोजिंग बैलेंस में डी के पास सिर्फ 15,000 ही है। अब क्यों 15,000 है? क्योंकि 5,000 कहाँ चले गए? ये गुडविल रेज और राइट ऑफ में 5,000 डी के घट गए। रेज करते समय गुडविल के गुडविल रेज करते समय डी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में कुछ नहीं आया, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में रेज होता है, और जब राइट ऑफ हुआ तो डी के कैपिटल अकाउंट से 5,000 रुपये चले गए। तो ये 5,000 क्यों गए कैपिटल अकाउंट से, क्यों बैलेंस 5,000 कम हुई? क्योंकि वो प्रीमियम के तौर पे 5,000 रुपये कैश कम ला पाया था, तो उसकी भरपाई के लिए उसके कैपिटल अकाउंट से 5,000 निकल गए। समझ में आ गई बात? बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आप अच्छे से समझ जाए, यही मेरा हमेशा टारगेट रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेथड टू मैं दूसरे वीडियो में करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।